करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायपुर से खबर है जहां खादी को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा की है खादी के वस्त्र खरीदने पर अब 25% की सब्सिडी मिलेगी। 31 मार्च 2025 तक ये सब्सिडी मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है खादी को प्रमोट करने के लिए। मुख्यमंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है और घोषणा में 25% की सब्सिडी का ऐलान किया गया। खादी के अगर वस्त्र खरीदते हैं तो अब 25% की सब्सिडी मिलेगी और यह सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलेगी। समय भी निर्धारित कर दिया गया, यानी 31 मार्च 2025 से पहले तक आप जितने भी खादी के वस्त्र खरीदते हैं आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी। यह बड़ा ऐलान, खादी को प्रमोट करने के लिए यह फैसला किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव लाइव जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। गौरव, खादी को प्रमोट करने के लिए सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है, 25% की सब्सिडी, ये सब्सिडी मिलना कब से शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आज गांधी जयंती और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की है। राजधानी के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होने पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने जो हथकरघा विभाग की प्रदर्शनी लगी थी उसमें वहां पर वो उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण किया था और स्टॉलों के निरीक्षण करने के बाद अपनी धर्मपत्नी के लिए उन्होंने एक साड़ी भी खरीदी। और जैसे ही उन्होंने साड़ी खरीदी और मंच पर पहुंचे, मंच से एक बड़ी घोषणा उन्होंने की कि आज से जो है आने वाले मार्च 2025 तक खादी की खरीदी में जो यदि लोग करते हैं तो उसमें 25% की छूट दी जाएगी। जिस तरीके से प्रदेश में खादी का जो उत्पाद है वो बड़ी संख्या में होता है और उस उत्पाद को आगे पहुंचाने के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए और ना केवल छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों में भी उसके साथ विदेशों में भी जो छत्तीसगढ़ के खादी और कोसा है उसे आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है वो जो खादी के कपड़े बनाते हैं जो बुनकर हैं उनको फायदा मिलेगा और सीधा तौर पर छत्तीसगढ़ की पहचान जो अभी तक कोसे के लिए और खादी के लिए की जाती थी वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल गौरव, और यहाँ पर जो सब्सिडी का प्रावधान जो घोषणा की गई है ये खादी प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी घोषणा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।